हेलो दोस्तों, टेक लॉन्ड्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप अपना अपलोड यूट्यूब वीडियो को जब कभी ट्रिम करना चाहते हो, उसमें से वीडियो का एक हिस्सा काट कर हटाना चाहते हो, तो वहां पर एक इशू को आपको फेस करना पड़ता है। वह इशू क्या आ जाती है, एलिमेंट मस्ट बी विजिबल फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स। ये ऊपर में लिखा हुआ एक नोटिफिकेशन नज़र आने लगता है, जिसके वजह से वीडियो ट्रिम नहीं हो पाता है, घंटों प्रोसेस में लगा रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और डायरेक्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वीडियो को ट्रिम किया जाता है, उस प्रॉब्लम को हटाया जाता है। सबसे पहले एक वीडियो हम सेलेक्ट करेंगे। वीडियो को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए एडिटर का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। ट्रिम एंड कट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो में आ जाना है। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ यहाँ मुझे एक कट लगाना है, तो यहाँ पे ये कर्सर को मैं इसे लाकर, ये लाइन को इसे लाकर क्लिक कर दूंगा एक बार, तो ये लाइन हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं न्यू कट लगाऊंगा। न्यू कट पे देखिए ऊपर में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये रेड जैसा आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम खींच के लंबा कर लेंगे, लास्ट तक इसको ले जाएंगे। और यहाँ ओके का बटन दिया हुआ है, राइट का साइन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, कट लग गया है, लेकिन ये घूमता ही रहेगा। मगर यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, एलिमेंट मस्ट बी विजिबल फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। तो ये इशू आती है जिसके वजह से आप वीडियो को सही से ट्रिम नहीं कर पाते हैं और घंटों इसी तरह से लगे रहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले यहाँ मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, जो एक कट है इसको डिलीट कर देंगे जो मैंने लगाया अभी। डिलीट कट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा फिर उसी तरह हो गया। अब जाएंगे हम फिर से कॉन्टेंट में, फिर से उसी वीडियो में जाएंगे। पेंसिल पे क्लिक करेंगे। अब यहां से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहां पर देखिए आपका एंड स्क्रीन और कार्ड्स दिया हुआ है, इन दोनों को हम बारी बारी से रिमूव कर देंगे। यही हमारा एलिमेंट है, इसको हमको डिलीट करना होगा। पहला ये है, यहां से इसको डिलीट मारेंगे, फिर ये लोगो है इस पर डिलीट सेलेक्ट करके, यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे, वीडियो को सेव कर देंगे। कार्ड्स में भी जाएंगे, इसी तरह क्लिक करेंगे कार्ड्स में, यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ, आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। हमारा जो भी एलिमेंट्स था वो डिलीट हो चुका है। अब मैं फिर से एडिटर पे जाऊंगा। अब उसी तरह ट्रिम एंड कट लगाएंगे। यहाँ से सपोज दैट मुझे कट लगाना है, यहाँ पे लाइन को रख के एक बार क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा एरिया यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। इधर से इधर का एरिया मुझे कट कर देना है। न्यू कट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रेड वाला बॉक्स आ गया। अब इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए वो जो एलिमेंट मस्ट बी विजिबल फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स था वो हट गया है। अब यहाँ से हम सेव कर देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो एक चीज़ आप जान लीजिएगा कि जो भी आपने डिलीट किया है वो रिटर्न नहीं आएगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, सोच समझ के डिलीट कीजिएगा। मुझे यहाँ तक डिलीट करना था, इसलिए मैं इसे सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया, वीडियो इज बीइंग प्रोसीड, प्लीज़ चेक बैक लेटर। अब वो हिस्सा हमारा कट के सेव हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।